सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल समायरस दुनिया ब्लॉग। और अभी हुलिया भी कल जैसा ही लग रहा होगा क्योंकि सो के उठे बहुत लेट से और अभी तुरंत टिफिन कंप्लीट किया, 12 बजने वाला है। अमायरा फिर खा रही है, अभी अपना फ्रूट्स ले रही है और गेम खेल रही है। और हम सोचे चलो व्लॉगिंग स्टार्ट कर लेते हैं और आज बहुत अच्छे अच्छे चीज़ खाने वाले हैं। नहीं मैं तो आज बहुत अच्छा चीज़ खाने वाले हैं, ट्राई करने वाले हैं फर्स्ट टाइम। तो जिसको जिसको देखना है तो व्लॉग में बने रहिएगा, वो हम बनाएंगे। अभी हम थोड़ा सा वेट खोलने जा रहे हैं क्योंकि मेरा कुछ सूट है, अच्छा सूट है, बहुत अच्छा ही लगता है मुझे वो, तो वो जल्दी पहनते नहीं है तो सोचे उसे निकाल लेते हैं, रील्स बनाने का काम आएगा। तो आप लोग को और भी अच्छा अच्छा रील्स मिलेगा, अच्छा ड्रेस। तो ये पहले कलर उठा लेते हैं हम, उसके बाद अब रील्स बनाएंगे, इसके बाद ही तो ड्रेस निकाल ले। और थोड़ा जो कलर हो गया, जो ड्रेस पजामा कुर्ता बाबू का, तो वो तो लगने वाला है नहीं, कलर छूटा नहीं है, थोड़ा थोड़ा कलर लगा ही है, तो उसको रख देते हैं, देखते हैं नेक्स्ट ईयर का क्या होता नहीं होता। ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए ना ये सब चीज़ में, तो देखा जाएगा। रखे थोड़ा सा ही कलर है, वो नहीं लगेगा कलर, जब पहनेंगे तब उसमें आयरन कर देंगे ना तो वो भी नहीं लगेगा। तो अभी हम इसीलिए जा रहे हैं वेट खोलने, तो हम वेट खोल के पहले हम सब कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं हम लोग क्या खाते हैं। एक नया रेसिपी खाने वाले हैं, नया चीज़ ट्राई करने वाले हैं, तो चलो नया चीज़ आप लोग देखना, तो उसके बाद ही बताना कि आप लोग को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लाइक तो आपका मन का बात है, तो आगे का आगे ही बोलेंगे। तो अभी हम पहले फटाफट से ये बेड उठाते हैं पूरा, और मेरा जो ड्रेस है ना पता है वो सबसे उधर कोने वाले में, यहाँ पे 4 फ्लाई का है मेरा और सबसे उधर वाले का बताओ, यहाँ से सब खोलना पड़ेगा तब वहाँ जाएंगे, तो मेहनत है थोड़ा। तो चलो हम जल्दी से पहले निकाल लें कुछ ड्रेस अपना, और ड्रेस भी बाद में दिखाएंगे कि क्या क्या निकालें, दिखाएंगे क्या देखने ही मिल जाएगा आप लोग को रील्स में। उसके बाद दिखाते, आज का खाना सिंपल है लेकिन कुछ एक अलग ही चीज़ खाने वाले जो वो स्पेशल है, वो क्या भी खाने वाले हैं वो भी दिखाएंगे, ठीक है। हे गाइस, अभी मैंने हम लोग का लंच रेडी हो रहा है। लंच में क्या पता है, चावल बनाए हैं और ये मसूर दाल का है, मसूर दाल का पकौड़ा बना रहे हैं, ये कढ़ाई में डाल रहे हैं। तो अभी भी खाना नहीं खाया है, बहुत टाइम हो गया है, पानी भरने चले गए थे, पानी मतलब चावल बनाने का पानी भरना पड़ता है, तो पानी भरने चले गए थे। ये अभी बना रहे हैं, हम लोग खाएंगे सिंपल का क्योंकि कल बहुत खा लिए थे। और थोड़ा सा मिर्ची काट दे ऐसी कर, और छोटा बोलेगा तो फिर यहाँ से चले। तो एक तो नया रेसिपी बनाने वाले अभी थोड़ा देर में, तो आप लोग को दिखाएंगे। ये तो शायद सबके घर में पता ही होगा, गर्मी में खाना चालू हो जाता है, तो हम खाएंगे चावल। मिर्ची निकल गया, बाबू खा चुकी है, मैं मिर्ची नहीं निकाले हैं, 2-3 तो निकाल लें। चावल खाएंगे, ये दाल का पकौड़ा खाएंगे और फिश का आइटम है, ठीक है, नया है, हम खुद नया पहली बार ट्राई कर रहे हैं, तो आप लोग को भी दिखा रहे हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसको मैरिनेट करके रख दिए, मैरिनेट होने और आना घूमने रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा फोन गिरने वाला बाबा। फिश दिखाते हैं, फिश मैरिनेट हो रहा है, फिश कोई नहीं खाता, हम और बहन खाएंगे, ये बड़ा वाला फिश है 2 है, तो इसमें बाबू भी खा लेगी, बाबू टेस्ट करना चाहे तो कर सकते क्योंकि बाबू को हमेशा फिश फ्राई वाला ही अच्छा लगता है। ये कैमरा कैसे हिल रहा है, लग रहा है जैसे फ़ोन हिला रहे हैं, हम फ़ोन नहीं पकड़े लेकिन फ़ोन स्टैंड में है, फोन कैमरा देख वीडियो देख जैसे जैसे हिल रहा लग रहा है, हम हट रहे तो हम हटेंगे तो हिलेगा क्यों, सेफ तो वही रहेगा ना, भूत भूत आ गए क्या, अरे बच्चों में देख भूत भूत आ गया भाई, अरे स्क्रीन क्यों हिल रहा है, स्क्रीन हिल रहा, देखो स्क्रीन क्यों हिलेगा सच्ची में, अरे स्क्रीन हिल रहा है, रुक यार मत कर, ये तो ए भाई, अरे अरे अब डर लग रहा है स्क्रीन क्यों हिल रहा, पता नहीं एक जगह रहेगा ना वीडियो खींचे का, ये क्यों हिल रहा भाई, अरे देख तू देख स्क्रीन, तो देख तो आ गया फोन से बाहर आ रहा है फोन, अरे यार को जो तो बोल बात बोल ना, तो कैमरा में दिखता है ना, ए इसको उठा के हिला, भूत का नाम लिए देखो करंट चला गया, कढ़ाई में जा गया सीधा, कढ़ाई में का पुकारा जल जाएगा, सच में फोन का स्क्रीन हिल रहा, देखो करंट होगा कि नहीं होगा, बोलो खाओ करंट आ गया, देखो स्क्रीन अभी भी हिल रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे फोन को हाथ में लेके मूव करते हैं ना वैसे वाला लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, कैमरा ऑन है, मत बोलना कि हम खाली शरीर में, मत लेना मुझे क्योंकि सबको प्रॉब्लम हो रहा है अभी,
चलो ऐसे ऐसे करके हम पकौड़ा बना रहे हैं, ये मेरा बन जाए तो ये हम बना लेते हैं, उसके बाद फिश वाला दिखाते हैं, फिश का रेडी हो रहा है, सब दिखाएंगे। तो हे गाइस, ये फिश फिश को मैरिनेट किया है, इसमें नमक हल्दी और मिर्ची दिए हैं और टोमेटो सॉस दिए हैं इसमें, उसको ऐसा करके छोड़ दिए थे। और ये वाला इसमें मेरा नींबू है, नींबू है और लहसुन है छोटा छोटा कट किया हुआ और मिर्ची है और थोड़ा सा नमक है और ये मिक्स करके रख दिए हैं। ये एक तो सॉस बनाए हैं हम लोग, एक टाइप का सॉस है। और इधर पकौड़ा फ्राई हो गया है, उधर फिश फ्राई हो रहा है और फिश गोटा गोटा ही रखेंगे और इसको फ्राई करेंगे और पूरा अच्छे से करा करके फ्राई करेंगे। फिश फ्राई हो जाएगा उसके बाद खाएंगे उसके ऊपर में, और फिश फ्राई होगा ना उसके ऊपर ये सॉस डालेंगे उसके बाद खाएंगे। और जिसको चाहिए अलग से वो लोग टमाटो सॉस भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, और जिससे ऐसे ही अच्छा लगेगा खट्टा खट्टा तो वो वैसे भी टेस्ट कर सकते हो। तो मेरा फर्स्ट टाइम है तो हम टेस्ट करके बताएंगे, तो पूरा रेडी कर ले उसके बाद सामने करके आएंगे, पूरा रेडी होने के बाद तब आपको अच्छा लगेगा, तो आप लोग भी ट्राई करें। इसे ये हो गया हम लोग का फिश रेडी हो गया, फ्राई कर लिया पूरा। और इसमें देंगे हम लोग ये वाला और इसके साथ ही इसको खाएंगे। और जिसको सॉस चाहिए वो सॉस यूज़ कर सकते हैं इसके साथ टमाटो सॉस। खाने अब इसको और टेस्ट किया, मैंने खा लिया था, पता ही कैसा लग रहा था। नंबर वन हम लोग फर्स्ट टाइम इसको बनाए हैं और फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहे हैं, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। मैंने खाएगी कौन खाएगी, ये खाएगी बस बस ही, खाली 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 बड़ी बड़ी बातें खाली बड़ी बड़ी। फिश बहुत ही टेस्टी लग रहा है और आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। सिंपल सा सिर्फ फिश को फ्राई करना है और एक तो ऐसा घर में होममेड सॉस बनाना है और इसके ऊपर डालो और ऐसे ही खाओगे। आप लोग को तो सॉस भी नहीं चाहिए इसके बाद, इसको जो ऐसे उठाओगे मैं दिखाती हूँ, ऐसे जो उठाए ना इसका सॉस में डुबाए, इसके बाद और कोई अलग से टोमेटो सॉस चाहिए कि नहीं, जो ऐसे डुबाओ दोबारा टोमेटो सॉस में, इसी को खा के देखोगे ना मज़ा आ गया। फिश नहीं खाने वाला भी खा लेगा कसम से, ट्राई करो एक बार, बहुत ही मस्त लग रहा है। फिर खोल देता हूँ, खाना बहुत प्लेन बनाया सिंपल सा। सो हे गाइस, तो मेरा काम हो गया है और आज मैं रेडी नहीं हुई क्योंकि आज थोड़ा मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा रीज़न है इसका बताएंगे हम तो। चलो पहले बताते हैं, कमेंट में आया था कि मैं हांडी चिकन का रेसिपी दूँ, तो बता दूँ कि मैं वो कोई रेसिपी नहीं है मेरा, जो मैं घर में बनाती हूँ ना जैसे चिकन सिंपल था वैसे चिकन बनाई हूँ, बस वो हांडी का था ना मिट्टी का हांडी का, तो उसका टेस्ट बहुत मज़ा आ रहा था। बस उसका जो भी मतलब बोला जाता ना एक सीक्रेट मसाला, उसका कोई सीक्रेट मसाला नहीं था, जो मसाला डालते हैं ना वो सारा मसाला डाल दिया उसमें, जो भी जीरा धनिया मरीच गरम मसाला चिकन मसाला टमाटर धनिया पत्ता प्याज तो डलता ही है, मिर्ची विर्ची जो भी है सब डाल दिया, खाली उसका एक स्पेशल था जिससे उसका टेस्ट मतलब जो ना तो कुकर में बन सकता है ना कढ़ाई में बन सकता है ना तो स्टील और पीतल का हंडिया में बन सकता है, वो मिट्टी का हांडी में ही उसका इतना मज़ेदार टेस्ट था। तो उस हांडी को हम रखे हैं तो रेसिपी देंगे, रेसिपी कुछ खास है नहीं ऐसे बोल दिया, आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो मिट्टी का हांडी को रखे अच्छे से उसको धो के सफाई करके रखे हैं, तो उसमें हम सोचे ना उसका जो टेस्ट खा लिए ना चिकन का तो इतना मज़ा आया और रेस्टोरेंट में खाए थे हांडी बिरयानी खाए थे बस मन कर गया, तो इसीलिए उसको धो के रख दिया। उसको हम फेंक देने वाले थे क्योंकि कोई काम नहीं था, दो आदमी में तीन आदमी बहन कितना चिकन खाएंगे, इतना सा चिकन आता है ना तो वो हम लोग का दो टाइम हो जाता है, कल का चिकन आज खा के ख़त्म किया नहीं खा पाए, तीन पीस नहीं खा पाए और खा नहीं सकते थे उसको दोबारा, तो उसे फेंके लास्ट में। तो हम लोग के यहाँ पे डॉगी वॉगी इतना वो फ्लैट वाला घर में डॉगी को खाना खिलाना भूल जाओ ऐसा वाला है, तो उतना दूर कोई लेके नहीं जा पाएगा, मेरे घर में सब अलग अलग स्टाइल का इंसान है तो कोई डॉगी को खिलाएगा नहीं, तो हम उसे प्लास्टिक में पैक करके मतलब डस्ट, और किचन वाला में हमेशा प्लास्टिक यूज़ होते रहता है तो डॉगी के पास वैसे चला जाता है। और तो आप लोग बना सकते हैं ऐसे, तो फिर हम बनाने वाले कुछ दिन में हम उसमें हांडी में बिरयानी बनाने का सोचे हैं, देखते हैं क्योंकि गर्मी बहुत आ गया अब ये सब मसाला चिकन खाने का मन नहीं कर रहा है, इसीलिए आज ऐसा खाना खाएं। तो
पर हाँ आप लोग ये जो आज हम फिश खाना, ये फिश आप लोग ट्राई करना, बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग ना इसको जो भी घर में ग्रेवी वाला फिश खाते होगे ना, तो उससे छोड़ के आप लोग पहले इसको ही खाने वाले हो पक्का। हम आप लोग को बोल रहे हैं आप एक बार ट्राई करके देखो, आप लोग बोलना नहीं, सच में बहुत अच्छा टेस्टी है। सिंपल सा फिश को ट्राई कीजिएगा, उसमें फिश को मतलब ज़्यादा कट करके रखिएगा, लंबा पूरा गोटा फिश लीजिएगा ना ऐसा, तो वो ना टेस्टी वाला फिश होता है। जो पूरा गोटा फिश लीजिएगा उसका उसका टेस्ट अलग होता है, और रुई मछली कतला मछली में वो टेस्ट नहीं होता जो एक गोटा मछली में टेस्ट होता है। तो जो मछली खाते उन्हें आइडिया होगा, तो इतना बड़ा पीस वाला लोगे जितना खा सकते हो अकेले। तेलापिया है, बहुत सारा पाटा मछली है, ये वाला खाए थे क्या, भेटकी का ही कुछ और है ये जो आज खाए थे, वो भेटकी का ही कुछ और है, लेकिन वैसा ही टाइप का पूरा, जिसमें कांटा सिर्फ बीच में रहता है, कांटा नहीं रहता। बाबू भी बहुत इंजॉय की मछली खाई। तो फिश को सिर्फ नमक हल्दी जैसे लगा के फ्राई करते, नमक हल्दी दिए और उसमें थोड़ा रेड चिली पाउडर दिए हम, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा टोमेटो सॉस दिए थे पूरा, वो उसके फिश के बीच बीच में ऐसे कट किए थे, दोबारा बनाने वाले फिर दे देंगे। जिस जिसको चाहिए आप लोग बताना, तो फिर मैं पूरा बनाते हुए दिखा दूँगी। बहुत छोटा सा टाइम का है, ज़्यादा देर नहीं लगता बनाने में, बहुत सिंपल है। बस लगाओ 10 मिनट के लिए रख दो उसको मेरीनेट होने के लिए, इसका जो भी नमक मसाला है फिश का कट कट में अंदर अंदर चला जाए उतना देर के लिए रख दो 10 मिनट। उसके बाद उसको अच्छे से पूरा फ्राई कर लो पूरे फिश को। अगर ज़्यादा बड़ा फिश है बर्तन में नहीं अट रहा, तो मुंडी और पूंछ को काट के अलग कर लो, 3 बार में फ्राई कर लो, और उसके बाद उसको एक प्लेट में वैसे ही पूरा मुंडी लगा दो, बीच का बॉडी लगा दो, पूछ लगा के सजा दो, और ऊपर से वो सॉस जो बनाए थे घर में वो मतलब लहसुन ले लो अंदाज से, हम वो दो मछली में तीन पीस छोटा छोटा जो छीला हुआ होता है ना, छीला हुआ एक टोर निकलता है ना लहसुन, वो तीन में उसको छोटा छोटा एकदम सा काट कट कर ली, और 2-3 मिर्ची ली जिसको ज़्यादा स्पाइसी खाना और मिर्ची ले सकते हैं, और थोड़ा सा धनिया पत्ता ली थी, और उसको थोड़ा सा ऐसे से कुछ मतलब छोटा छोटा कट करने के बाद थोड़ा सा कुचल दी थी, और नींबू का रस ली थी, ज़्यादा करके नींबू का रस लीजिएगा, 2 लिए थे लेकिन मुझे 3 हो जाता तो अच्छा होता, मेरे पास नींबू था पर बहुत कच्चा था, रस नहीं निकल रहा था, तो जो 2 था येलो येलो तो उससे मैं जो रस निकला बस उसको उसके ऊपर से दे दो और खाओ। और उसके बाद अगर किसी को और मीठा भी कुछ लेना है या फिर तीखा या ग्रीन चटनी लेना है, तो ग्रीन चटनी ले सकते हो अपना या टोमेटो सॉस, पर हम लोग को नहीं लगा, हम लोग चावल के साथ भी थोड़ा सा खाए और ऐसे खाए फिर पूरा, मतलब सिर्फ फिश खाए बैठ, तो ये सिर्फ फिश खाने वाला ही है, बहुत मज़ा आया। किसी को दोपहर में अगर चावल खाने का मन नहीं करेगा ना, तो सिंपल सा आप लोग ऐसा फिश एक तो खा सकते, अगर थोड़ा बड़ा फिश है तो पेट भर जाएगा आराम से, मेरा तो पेट भर गया उसमें, मत ज़्यादा हो गया, माँ बेटी दोनों खाए थे एक फिश में, हम लोग दोनों खाए थे, फिर भी हम नहीं खा पा रहे थे क्योंकि चावल खाए थे तो नहीं हो पा रहा था। तो ऐसा ऐसा गया मेरा आज का दिन, देखा जाए तो होली जिस दिन बनता उसके बाद फिर और एक दिन सब होली मना ही लेता है, तो हम लोग का आज का ऐसा गया होली, बस खाना खाए, कुछ ज़्यादा किए नहीं क्योंकि कल बहुत ज़्यादा थक गए थे, सुबह से बहुत सारा काम किए, बोले तो बेड खोले, बेड खोल के 3 तो कपड़ा निकाले, 2 साड़ी निकाले, 1 सूट निकाले, तो हम आप लोग को दिखाएंगे बाद में, और उस पर रील्स भी बनाएंगे। तो जल्द कल कुछ अलग तरीके से रेडी होने वाले हैं कल का कल। तो चलो एक बात बोलना था, सबसे बड़ा बात मेरा आज का ब्लॉग का हो गया, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात था कि देखो आप लोग देखते हो लेकिन कोई मोटिवेट करने के लिए मुझे कमेंट नहीं करते हो, कोई भी नहीं करते हो ढंग से, 1-2 है जो करते हो। कल का ब्लॉग में हैप्पी होली भी तो विश कर सकते थे लेकिन आप लोग नहीं किए, चलो कोई बात नहीं, आप लोग देखे तो मेरा काम है ब्लॉग बनाना और आप लोग का काम है देखना, पर एक देख रहे हो जिसका ब्लॉग देख रहे हो आपको अच्छा लग रहा है कि उसका ब्लॉग देखे, उसका ब्लॉग देखना चाहते हैं, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसके वीडियो को लाइक करना पड़ता है ताकि उससे और अच्छा लगे और बनाए। एक छोटा सा कुछ भी लिख के कमेंट कर सकते हो कि आप अच्छा कर रहे हो, आप ये करके दिखाओ वो करके दिखाओ, तो इससे क्या होता है ना कि वीडियो बनाने के ना और अच्छा लगता है। ऐसे क्या होता है हम बना रहे हैं डाल रहे हैं कुछ कमेंट्स नहीं आते। एक छोटा सा कमेंट्स आया था मेरे ब्लॉग पे, नहीं आया था ब्लॉग पे ही आया था लेकिन वो बाहर से आया था, तो मुझे नहीं पता कि उनका बात सही है या नहीं है, कि ड्रिंक का वीडियो नहीं डालना चाहिए, मुझे आइडिया नहीं है कि ड्रिंक का वीडियो ब्लॉगिंग में नहीं डालना चाहिए, तो मुझे आइडिया नहीं था, तो आपसे मुझे ये कमेंट मिला तो शायद हम सीख सके, तो हम कोशिश करेंगे। हम उस ब्लॉग को हम अभी अनलिस्ट कर चुके हैं, वो ब्लॉग मेरा अभी पब्लिश नहीं है, आप लोग को नहीं मिलेगा होली का ब्लॉग, क्योंकि वो उसे मैं स्टॉप कर चुकी हूँ, उसको मैं वो कट कर दूंगी बीच का सीन, उसके बाद मैं उसे देखूंगी पब्लिश करूंगी, नहीं तो मेरा उसको डालने का कोई इरादा नहीं है। मेरा मतलब क्या बोले कि अगर आप 10 आदमी भी बाहर से ये कमेंट आया है ना, तो 10 का कोई लाइक नहीं करे हैं। कल का ब्लॉग पे सिर्फ मेरा ड्रिंक का गया, पता नहीं वो डालना चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता था, आइडिया नहीं था, ये करते करते तो सीखेंगे, चलो नया कुछ सीखे कि ड्रिंक का ब्लॉग ड्रिंक का वीडियो नहीं डालना चाहिए डेली ब्लॉग में, तो चलो सीखे, थैंक यू। लेकिन आप ही लोग हो जो लाइक भी नहीं करते, कभी कमेंट भी नहीं करते हो, इतने सारे व्यूज़ आते हैं पर जो लोग बोले हैं ना उन लोग की तरफ से कभी लाइक नहीं आते ना ही कमेंट आते, पता नहीं क्यों, देखते तो हो कमेंट बाहर से करते हो, तो बाहर से क्यों करते हो मुझे बताओ, मुझे सिखाओ, मैं ब्लॉग बनाती हूँ, मैं ब्लॉग एडिट करती हूँ, मैं ही ब्लॉग अपलोड भी करती हूँ, तो मुझे बताओ ना, तो मुझे सीखने मिला, थैंक यू, हम आपको कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, अच्छा लगा। पर पता नहीं आपका बात भी सही है या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं पता कि इसका ब्लॉग डालना चाहिए या वो भी है ना, चैनल का ऑनर बोलो मालिक बोलो जो भी है, हम हैं, हम बनाते हैं इस चैनल पर वीडियो, हम बनाते हैं, मेरे चैनल का नाम समायरा है, ठीक है, समायरा कोई बच्चे का नाम नहीं डाले, हम लोग तीनों का नाम मिला के डाले, संगीता का मैं एस ली हूँ, अमायरा का अमायरा ही है,
और उसमें जो आर ए है ना लास्ट में, वो बाबू का राज नाम है ना, तो हम उनका रा उसमें वो ऐड किए, तो हम ऐसे करके बनाए कि एक नाम बन जाए। तो ये मेरा चैनल का नाम ये है समायरा, कोई बच्चे का चैनल नहीं है, बच्चे का चैनल नहीं होता है 18 ईयर्स के होने के पहले यूट्यूब में चैनल नहीं होता है, इतना तो पता ही होगा आप लोग को, क्योंकि यूट्यूब में सब यहाँ पे काम करता है, यूट्यूब शौक से नहीं चलाता, यहाँ सब काम ही करने रुकता है, बोलता है सब शौक से चला रहे, शौक से नहीं चलाता, सब यहाँ पैसा कमाने रुकता है। पर पता नहीं ये वीडियो भी मेरा डालना परमिशन है या नहीं है मुझे नहीं पता, पर मैं इतना बस बोल रही हूँ कमेंट के हिसाब से, ये मेरा चैनल है, चैनल का जो भी वीडियो बनाने वाला इंसान है वो हम है, और ये कोई बच्चे का नाम नहीं है, हम लोग तीनों फैमिली है, हम लोग तीनों का नाम मिला के हमें चैनल का नाम बनाया है, और ये हम लोग का दुनिया के बारे में, ये दुनिया ब्लॉग्स बनाए हैं, तो हम क्या करते नहीं करते इसमें वो दिखाते। तो चलो बात का बात ख़त्म, चलो आपसे नहीं बोलेंगे ज़्यादा, जिसको अच्छा लगता है, जो चाहते हो मुझे हमेशा ब्लॉग में देखना और चाहते हो कि हम आगे बढ़े और, तो मुझे ऐसी अब सपोर्ट करो, क्योंकि आप अब जो देखना चाहते हो ना, आपके कमेंट्स का यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, कि जो जो देखना चाहते हो, देखना चाहते हो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट किया करो हर एक ब्लॉग में मेरा, आप लोग देखना चाहते हो, डेली व्यूज़ देते हैं मेरे ब्लॉग डालते ही, मैं देखती हूँ मेरे जो व्यूज़ आते हैं, पर जो मेरे वो शॉर्ट्स वीडियो में व्यूज़ आए थे पर इसमें नहीं आ रहे, शॉर्ट्स वीडियो जल्दी वायरल होते हैं पता है, मेरा वो वीडियो वायरल हुआ, एक वीडियो अब तक मेरा वायरल हुआ, पर यूट्यूब का वीडियोज़ आप लोग को कुछ भी अच्छा लगता है तो देखने के बाद प्लीज़ शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, तो इससे कि हम आगे बढ़ पाएंगे। और क्या बोलना है आगे का, तो आप लोग कर सकते हो कि ये कमेंट कर दे, सारा दिन मेहनत करने के बाद ये बनाने आते हैं हम भी यहाँ, मेरा भी शौक किया और हम यहाँ कुछ करने के लिए अपने लाइफ में ब्लॉगिंग करने आए हैं, कोई इतना ज़्यादा बड़ा शौक नहीं है कि सारा दिन काम करके क्या करेगा, शौक किया है और इसमें मेहनत करने के लिए हम यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो मेहनत भी कर रहे हैं, ऐसी नहीं बन जाता है ब्लॉगिंग ना, इसके बाद अभी एडिट करेंगे ब्लॉग को, आज का ब्लॉग एडिट करने में मेहनत थोड़ा चाहता, एडिट करेंगे फिर अपलोड करेंगे, बेबी सो रही है, बेबी उठेगी उसको देखना, और पता आप लोग को इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये मेरा काम है, तो आप लोग को क्या फर्क पड़ता है ना। तो बस इतना था कि जिसको अच्छा लगता है मेरा ब्लॉगिंग देखना, मेरे बारे में जानना, हम जहाँ रहते हैं वहाँ से आप लोग को कुछ कुछ दिखाए, आप लोग मुझे कुछ सिखाओ, जैसे आज के दिन मैं कुछ सीखी और मैं आपसे कुछ सीख सकूँ, लेकिन आप लोग कुछ कमेंट करते नहीं हो तो आपसे कुछ सीख सकते भी नहीं है मुझे नहीं लगता अभी, तो आप लोग कमेंट करोगे तो ही मैं कुछ सीख सकती हूँ आप लोग से भी, क्वेश्चन बहुत सारी चीज़ करती हूँ, कोई भी कमेंट करते नहीं है। और हाँ, तब तक मैं बहुत चीज़ बोली हूँ कि कौन कौन जानना चाहता है मेरे बारे में, कोई कमेंट्स नहीं करते हो, फिर कौन कौन जानना चाहता है हमारे लव स्टोरी के बारे में, कोई कमेंट्स नहीं करते हो, ब्लॉग कितना पीछे चला जाता है छोड़ा हुआ, लेकिन कोई कमेंट्स नहीं करते हो, कल का ब्लॉग नहीं डालना चाहिए था। तो चलो अच्छा चीज़ सीखे, बात को छोड़ो, तो चलो फिश ट्राई करो, फिश बहुत अच्छा है और फिर तुरंत बनाने वाले हैं, वैसा ही फिश सेम टू सेम बनाने वाले हैं, तो देखें और इंस्टा में भी जाकर रील्स देखो, पर पता नहीं आज का ब्लॉग में भी मेरा कोई कुछ ना लग जाए। तो चलो आजकल कुछ है नहीं, हमको जो बाहर से कमेंट आया उससे मैं कुछ सीखी और सिंपल था, और मेरा ये चैनल है, ये कोई बच्चे का चैनल नहीं है, ये मेरा चैनल है, यहाँ पे हम ही भी ब्लॉग बनाते हैं, और ये मेरा यूट्यूब का जो भी है ये हम जानते हैं, मेरे फैमिली में ना मेरे बेबी को पता है यूट्यूब का बारे में और ना मेरे बाबू को पता है, हस्बैंड को पता है, तो जो भी एडिटिंग अपलोडिंग होल पेज जलेबी वलेबी सब हम ही करते हैं यहाँ पे बैठ के, ये वाला काम ये मेरा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, बाबू सो रही है और बाबू काम में गए हैं और हम बैठ के अपना काम कर रहे हैं यहाँ, तो कमेंट मुझे करो ठीक है, जो भी हो कमेंट मुझे करो, दीदी भैया भाभी भाई बहन जो भी हो मुझे कमेंट करो कि क्या क्या ब्लॉग में डाल सकते हो, क्या नहीं डाल सकते, क्या देखना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो, सब मुझे बताओ ठीक है, तो कमेंट करोगे तब तो अच्छा लगेगा ना, तो यही तो नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, चलो ठीक है आप लोग को पसंद नहीं आया होगा शायद, हो सकता है ना पसंद नहीं आया होगा, पर कोई बात नहीं चलो, पर आज का वाला बहुत मज़ा ही हो गया था पता है, कैमरा हिल रहा था, बहुत डर गए थे, मतलब जैसे ही डरे ना वैसे ही करेंट भी चला गया था, बहुत टाइम बाद करंट गया ना, यहाँ तो करंट जाता नहीं है कोलकाता में तो जल्दी करंट जाता नहीं है, गर्मी आया है अब थोड़ा मोड़ा जाएगा लेकिन उतना नहीं जाता, यहाँ पे तो करंट जाता ही नहीं है ऐसा बोला है, तो अभी गर्मी आएगा तो दोपहर में थोड़ा मोड़ा जाता है क्योंकि बहुत सारा प्रेशर लेता है ना, हर एक घर में यहाँ पे एसी है, मेरे घर में नहीं है, मेरा जब अपना घर होगा तब होगा बेचारे, सड़ने वाले गर्मी आ रहा है बहुत, सड़ने वाले पता, इतना गर्मी लग रहा है देख रहे हो पसीना हो गया, अभी रेडी होने वाले थे पर अब क्या रेडी है पूरा पसीना से भींगे हुए, पंखा आस्ते से चलाए कि वीडियो बनाएंगे, अभी भी थोड़ा थोड़ा देखो हल्का हल्का हेयर उड़ रहा है, देखो हवा नहीं लग रहा शरीर में, उधर नहीं जा सकते, पंखा चल रहा जोर से आवाज़ नहीं जाएगा यहाँ पे, बाबू उड़ जाएगी, कितना मुश्किल है बताओ एक वीडियो रिकॉर्ड करना है ना, अब क्या रेडी है पूरा ना स्किन चट कर रहा पता है, नहाए हम, नहा के सिर्फ थोड़ा सा खाना रेडी किए और खाना का पूरा किचन साफ किया, वो भी पंखा चला के काम किए, पूरा फुल स्पीड पे पंखा चल रहा दोनों घर में लगातार चल रहा, फिर भी स्किन देखो कैसे चिपचिपा हो रहा है, बहुत सड़ने वाले, अभी देखना मेरा गर्मी में क्या हालत होता, पर फिर भी मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग दूंगी पता है, कल का ब्लॉग जो सोचे हैं अगर हम गर्मी झेल लिए तो बहुत अच्छा करने वाले हैं, कुछ मेरे पास ऐसा नहीं, हम घर में ही रहने वाले हैं, बाहर जाए कहाँ जाए, इतना धूप हो रहा है ना घर में से ना, खिड़की से बाहर धूप को देख रहे ना तो सर घूम रहा है पता है, मेरे घर में ग्लूकोन डी आ गया बड़ा 1 kg का, हम लोग का ग्लूकोन डी चालू हो गया, तो बाहर कहाँ जाए धूप हो रहा है, पर जाएंगे काला होके आएंगे, कोई बात नहीं, काला भी तो इंसान ही ना होता है,
पर गोरा है तो फिर भी कोई लाइक नहीं करते हो, काला हो जाएंगे तो पता नहीं क्या लाइक करोगे। देखते हैं काला हो जाने पर अगर लाइक कर दिए तो वो भी करेंगे, कोई बात नहीं। इतना सज धज के बनाए थे तो भी नहीं लाइक आया था, ऐसे बनाए हैं तो भी लाइक नहीं आया, आएगा ही नहीं पता है। और क्या बोले, काला हो जाएंगे तो क्या आएगा, फिर देखेंगे खुद ही यूट्यूब बंद करके घर में बैठ के फेरा डब्ली क्रीम लगा के गोरा हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते। तो चलो बाय बाय ब्लॉग, बेकार में बड़ा हो जाएगा तो आप लोग ऐसे ही भाग जाओगे आधा फिर से, तो आधा फिर से भागना नहीं पूरा ही देखना, अच्छा ही करेंगे हमेशा। तो होली में उतना मज़ा नहीं आया मुझे, पता है क्यों? क्योंकि ना बाबू ना अच्छे से कैमरे में नहीं आते, जो कैमरे के बाहर मतलब ऑफ कैमरा में जो खेले ना वो कैमरा बोले लगाने ना, तो बोलते क्या फ़ोन गंदा हो जाएगा, नहीं कैमरा नहीं, फिर भी कितना सारा चुप चुप के वीडियो ली। तो बाबू भी नहीं अच्छा तो करते, अकेले क्या बड़बड़ा हो, ऐसे ही बड़बड़ा रही हो आप लोग, वैसे ही अकेले नहीं देखते हो कितना अच्छा अच्छा। अभी भी दक्षिणेश्वर का वीडियो जाके आप लोग देख सकते हो, उसमें तो और भी अच्छा लगेगा, अकेले किया है फिर भी मज़ा आने वाला है, तो जाके देखो आप दक्षिणेश्वर वाला वीडियो अभी भी है तो उसे जाके देखो आप लोग। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो देखो जाके दक्षिणेश्वर वाला वीडियो देखो, उसमें कितना मेहनत किया, तो जाके देखो, कोई सुनेगा ना बाहर से बोलेगा इसको भूत पकड़ लिया, पक्का समझ लेगा सब यहाँ पे इसको भूत पकड़ लिया, अकेले रहती है इस टाइम में किससे बड़बड़ाती, या फिर बोलेगा किसी से चक्कर चला, यूट्यूब में चक्कर चलाते हैं, ये तो चला रहे जो आप लोग देख रहे हो। पर चलो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, बाबू को अच्छे से घुल मिल जाएंगे ना, मतलब एक कैमरा उनका लगेगा ना कि कैमरा कुछ नहीं है बस करना है, तो फिर मज़ा आने वाला है, बाबू का एक एक बात सुनोगे ना तो हंसी ही आएगा। 50 बार दिन भर में ना 50 बार पूछते क्या काला हो गए क्या, बस वो चीज़ वो आने लगे ना पूरा कैमरे में, तो फिर देखना मज़ा आएगा, बस वो आते ही नहीं है, उनका नाटक सुनने देखना, घर में रुकते मात्र पूछते क्या देखो ना काला हो गया क्या, पता है इनका ये क्वेश्चन से ना परेशान हो गया ना उनको, लास्ट में हम एक तो क्रीम बताए क्या बोलता है वो सन टैन का क्रीम बोले, तो वो जाके ले आके अभी डेली यूज़ करते हैं, फिर दोपहर में बाहर जाते हैं, तो सोचो हम सल्यूशन निकालते हैं, डरते नहीं है किसी से। चलो इस बात पे मेरा वीडियो को शेयर कर दो सबको, क्या करोगे आप लोग पता नहीं, चलो लाइक कर दो और एक कमेंट कर दो कि नहीं दीदी अच्छा कर रहे हो, नहीं बहन नहीं भाभी जो भी है अच्छा कर रहे हो आप, करो हम आपके साथ हैं, हम आपको देखना चाहते हैं, जो इतना बड़ा तो लिखोगे नहीं, बोला हम आपके साथ हैं, हाँ हम देखना चाहते हैं, या फिर यस हम देखना चाहते हैं, जितने भी हो सब यही कमेंट करो, तो बड़ा तो कोई लिखोगे नहीं, बस यस लिख दो मतलब हम समझेंगे कि आप लोग देखना चाहते हो, हाँ लिख दो मतलब आप लोग उनको देखना चाहते हो यूट्यूब में, और क्या इसके बाद जो ज़्यादा लिखेगा इसका मतलब उसे ज़्यादा मज़ा आता है, इससे पता चलेगा ना, ज़्यादा लिखेगा तो ज़्यादा ही पसंद करता है, कम लिखेगा इसका मतलब तो कभी लिखे ही नहीं, तो थोड़ा तो लिखे शुरुआत की है, तो चलो शुरुआत कर दो, बहुत मज़ा आने वाला है ब्लॉग में। चलो ब्लॉग एंड करते हैं, 20 मिनट का बन गया है, पता नहीं देखोगे कि नहीं, तो चलो जाके इंस्टा पर रील्स देखो, आज रील्स नहीं बना रहे हैं, पता नहीं डालेंगे क्या रील्स, क्योंकि अभी भी फेस ठीक नहीं हुआ है, अच्छा नहीं लगेगा ना रील्स, तो कल से रील्स डालेंगे, कल बोले ना कुछ नया लुक लेने वाले हैं, नया ड्रेस निकाले हैं, तो देखते हैं कल कुछ नया लुक लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं कल का रील्स, तो अभी के लिए बाय बाय, जो पहले का रील्स है उसे जाके इंस्टा पर देखो, जो नहीं देखे हो इंस्टा का लिंक दे देंगे, 1.5 महीना में हम थक गए पता है, डेली अपलोडिंग के टाइम है ना, इतना बड़ा पेज भरना पड़ता है एक अपलोडिंग, एक वीडियो अपलोड करने के लिए कितना कुछ लिख के फिर वीडियो अपलोड करना पड़ता है, एडिटिंग तो छोड़ो अपलोडिंग के टाइम माता घूम जाता है, इतना सारा चीज़ लिखो उसमें, उसके बाद वीडियो अपलोड होता है, इसकी मेहनत पर तो एक लाइक दे दो, अभी भी मेरा मेहनत अभी 2 घंटा बाकी है इस ब्लॉगिंग के पीछे, बंद करेंगे तो चलो बाय बाय, आगे का काम अब आप लोग का, कमेंट्स करो और बाय बाय, इंस्टा में जाके रील्स देखो।